तो गाइज ये है भाई वायरलेस माइक, अनबॉक्सिंग करने जा रहे बस आपके सामने लाइव। देखो ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, मतलब ये शुरू हो गया। और हमारा डिस्टेंस अभी कम से कम 50 फीट का है अमेज़न का, देखते भी वर्क करता है कि नहीं। एक बार बहुत डिस्टेंस है मेरा और कैमरे का, तो फाइन दैट मीन्स 3999 4000 के करीब ये पड़ा। बहुत ही जोरदार है गाइस, लाजवाब इसकी क्वालिटी है। वॉइस ओवर कोई प्रैंक करते हो तो ये जो माइक है ना बहुत तगड़ी है भाई। जितना कि देखने वाला अगर ना भी देखना होता तो वो देखेगा भाई। बहुत मेहनत से मंगाया है, करेगा आपकी नज़दीक की वॉइस से वही कैप्चर करेगा। सो गाइज ये है भाई वायरलेस माइक ग्रेनारो J30 वायरलेस माइक, अभी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे बस आपके सामने लाइव। सीजर और ये बॉक्स अभी रिसीव हुआ मुझे, तो सोचा कि चलो अच्छे से नेचुरली जगह पे जाके इसको टेस्टिंग भी किया जाएगा और इसको अनबॉक्सिंग भी किया जाएगा। ये है अमेजोन से अभी मंगाया हुआ वायरलेस माइक, तो अनबॉक्सिंग करने के लिए करें शुरू। क्या बोलता है अनुज? यस सर। बस तो चलो शुरू करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो गाइस अभी इसको अनबॉक्सिंग भाई बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि सच में माइक वायरलेस जो माइक है यूट्यूबर के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं, नए लोग हैं या फिर जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वायरलेस माइक का क्या है कि बहुत दूर से आपको क्या है वॉइस नहीं आती कभी कभी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट, वीडियो में पूरा बने रहना भाई। गाइस फाइनली भाई इस तरह का ये कनेक्टर, उसके साथ माइक और चार्जिंग भी आई थिंक उसके अंदर केबल आती है, तो ये माइक निकला। उसके बाद क्या क्या है इसके अंदर, ओहो ये भी इनकी पकड़ के रखना। चलो तो इसको देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये है माइक, ये है अपना ग्रेनारो का माइक वायरलेस, और ये है इसका कनेक्टर जो कि मोबाइल को अटैच किया जाता है। सबसे पहले अभी देखते क्या क्या इसके अंदर आया है। ये है कनेक्टर और ये माइक है, इसको इस तरह से लगाने का। और इसके अंदर क्या है भाई, ये आई थिंक केबल होगी, चार्जिंग केबल। हाँ देखिए बोला ना, चार्जिंग केबल है। इसके अंदर दो कॉर्ड होते हैं, एक तो आप उसको इस कॉर्ड को यूज़ करके आईफोन को भी यूज़ करके कर सकते हो लगाने के लिए, ठीक है। इस तरह का देखो ये अटैच हो जाता है, ये आईफोन का है और ये सी पिन का है, यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी आईफोन तो अपने पास है ही नहीं, फिलहाल इसी को यूज़ करते। तो ये है माइक, इसको ऑन कर लेते भाई अच्छी तरह से। देखो ये बटन है यहाँ पे इसको ऑन करने का, जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। देखो ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, मतलब ये शुरू हो गया, ठीक है। और ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमें मोबाइल में अटैच करना है, तो फटाफट में मोबाइल में अटैच करके इसको दिखाओ। गाइस ये भाई मेरे पास अभी माइक और ये उसका चार्जर, फिलहाल अभी माइक ऑन है और हमारा डिस्टेंस अभी कम से कम 50 फीट का है, तो यहाँ से अभी मैंने माइक पकड़ा है, देखते अभी वहाँ तक आते आते मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अभी फिलहाल ऑन है यहाँ पे माइक, ग्रीन कलर का यहाँ पे हो रहा है लाइट, तो चलते चलते मैं आ रहा हूँ। तो ये ग्रेनारो का J30 का जो माइक है वो मैंने परचेस किया अमेजोन का, देखते भी वर्क करता है कि नहीं, एक बार दोबारा चेक करके देखते। तो गाइस देखो अभी माइक 100 फीट की दूरी पे मैंने रखा है, ऐसे एक्चुअली इसका जो फीचर है वो 200 मीटर पे काउंट होता है, लेकिन मैंने 100 फीट पे अभी फिलहाल ये माइक पकड़ा और मैं खड़ा हूँ। देखो बहुत डिस्टेंस है मेरा और कैमरे का, तो फिर भी ये माइक आवाज़ कैप्चर करता है कि नहीं करता है। देखो ग्रीन लाइट तो इसके अंदर लगी हुई है अभी भी फिलहाल, और चार्जिंग स्टेशन भी उसका दिया हुआ है। फिलहाल हम वॉइस टेस्ट कर रहे हैं अभी, आती है कि नहीं आती है क्लियर, ठीक है। उसके बाद इसके सारे फीचर बता देता हूँ, कहाँ से ऑर्डर करना है, कितने का आता है, सब कुछ सारी चीज़ें। देखो मैं बहुत दूर हूँ अभी, मेरा डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये आवाज़ मेरी कैप्चर कर रहा है। अभी थोड़े ना इसके फीचर मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट कि इसके फीचर क्या है। ज़रा जैसे गाइस ये जो माइक है वायरलेस ग्रेनारो J13 3999 दैट मीन्स 3999 4000 के करीब ये पड़ा, ठीक है। इसमें एक ही डिवाइस है और एक कनेक्टर है, अगर आप ज़्यादा और महंगा लेते हैं तो दो माइक आएंगे और कनेक्टर एक ही आएगा, लेकिन फिलहाल तो अपने लिए एक ही माइक ठीक है। तो इसके फीचर एक्चुअली ये है कि प्राइस तो मैंने आपको बता दी, अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, कोई अदर वेबसाइट है वहाँ से भी ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात की इसकी वॉइस क्लियरिटी, मैंने इसकी वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन उसके पहले चेक कर ली, बहुत ही ज़ोरदार है गाइस, लाजवाब इसकी क्वालिटी है वॉइस की। 200 मीटर तक ये काउंट करता है वॉइस, दैट मीन्स
कैप्चर कर लेता है, और साथ में क्या है कि आपको चार्जिंग का भी स्टेशन मिल जाता है। इसके अंदर कनेक्टर और ये माइक दोनों चार्ज करने की जगह दिए, देखो, और साथ में एक केबल दिए, चार्जिंग केबल दिखा दो, ये यहाँ पे इसका सॉकेट है। आप डायरेक्ट चार्जर को लगा के इसको चार्जिंग भी कर सकते हो। देखो एक केबल दिए छोटी वाली, वो केबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आईफोन के लिए भी दिया एक सॉकेट और एक नॉर्मल सी पिन होता है, या फिर एंड्रॉयड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे कनेक्टर आते हैं। तो ये यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, ये माइक और एक कनेक्टर आता है साथ में। लेकिन वॉइस क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त यार गाइस, लाजवाब आई 200, मतलब 100 फीट के ऊपर मैं गया था डिस्टेंस कैमरे का और मेरा, तो भी बहुत ज़ोरदार क्वालिटी आ रही थी। तो ये जो माइक भाई फर्स्ट टाइम मैंने वायरलेस परचेस किया लाइफ में, और एक यूट्यूबर के लिए या फिर आप कोई स्पीच देते हो, कोई प्रैंक करते हो, तो ये जो माइक है ना बहुत तगड़ी है भाई। इसको देखो हैंग करने के लिए यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ से इस तरह का एक पिन की टाइप भी दिया है, यहाँ पे ऐसे लटका भी सकते हो। देखो यहाँ से अगर मैं लटका दूँ ऐसे तो भी रह जाएगा, पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं। तो ये बिगिनर्स के लिए, यूट्यूबर के लिए, वीडियो शूट करके अगर आपको अच्छे से हॉबी है वीडियो शूट करने का, दूर दूर अच्छे से नेचुरल सीन दिखाने का, प्रैंक करने का स्पेशली, तो उसके लिए माइक बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी जो वॉइस क्लियरिटी ना गाइस मुझे बहुत पसंद आई। तो आपको भी अगर परचेस करना है तो ग्रेन आरो J13 इसका नेम है, सर्च कर लेना। अगर ऑफर होगी तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, या तो फिर जो रेट है आपको लेने पर देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है क्वालिटी वॉइस की। आपकी वीडियो में अच्छी आ रही ना गाइस, तो समझ लेना कि देखने वाला अगर ना भी देखना होता तो वो देखेगा भाई, क्योंकि वॉइस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है वीडियो के अंदर। इसका मुझे आज एहसास हुआ, ठीक है ना। तो ये माइक की स्पेशलिटी मैंने आपको सारी बता दी, क्यों यूज़ करना है, ज़रूरी यूज़ करना, क्योंकि आप इसको भी सकते हो। देखो इस तरह का अगर आप यहाँ पे कुछ उसका पॉकेट है तो यहाँ से भी ऐसे लगा दो, सिंपल किसी को दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन वॉइस आपकी यहाँ पे कैप्चर होती रहेगी। तो ये है भाई ग्रेन आरो J13 का एक फीचर। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना, बहुत मेहनत से मंगाया है, और आपको नेचुरली एरिया में जहाँ पे कोई वॉइस नहीं है वहाँ पे इसका फीचर और यूज़ करके दिखाया है, ठीक है। इसके फीचर और एक भी है कि अगर वॉइस का कुछ साइड का जो वॉइस, जैसे रोड के साइड में आप शूट कर रहे हैं वीडियो, तो वो कैप्चर नहीं करेगा, आपकी नज़दीक की वॉइस है वही कैप्चर करेगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। Subscribe, like, follow, do that, color.